सारे भाइयों ने राम राम भाई। आज आप आ गए हैं, देखो पीछे महावीर गुप्ता जी जो जेजेपी के कैंडिडेट हैं, जेजेपी से जो जींद से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी हॉट सीट है जींद की। तो आज आए हम उनके कार्यालय में और देखते हैं, करते हैं गुप्ता जी से बात, अगर मिलते हैं तो क्या कुछ उनके चुनावी मुद्दे हैं और करते हैं उनसे कुछ बात। चलिए, तो यहाँ कुछ कार्यकर्ता बैठे हैं जेजेपी की, बात करते हैं उनसे। चलिए हमारे साथ, राम राम जी सारे ने। तो क्या कुछ माहौल है जी, क्या कुछ लागे इस बार? बहुत बढ़िया, इस बार कर जोगे पार लंका? हाँ, पार के दमा लंबी जीत। अच्छा जी, हाँ जी बाबू जी, क्या कुछ कहो भाई? बढ़िया पोजीशन है, यह रहेंगे तो जीत। ओके रिपोर्ट जमा है, ओके रिपोर्ट। ओके, हाँ जनाब, और तो क्या, खूब माहौल है सारे हरियाणा में। जेजेपी का पूरा माहौल, हम जेजेपी एक कार्यकर्ता जेजेपी के ऑफिस में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी पूरा माहौल जो जेजेपी का यहाँ लग रहा है, अंदर चलते हैं, देखते हैं गुप्ता जी से करते हैं बात। तो गुप्ता जी हमारे साथ है, गुप्ता जी करते हैं। सर, इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं चुनाव में? चुनाव के अंदर सारा शहर बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी ने शहर का सत्यानाश कर दिया, कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, बुरा हाल हो रहा है। मुद्दे यही होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं। तो इस बार कुछ खास मुद्दा रहेगा क्या जींद की जनता के लिए? जींद यही मुद्दे पर मैंने बताया आपको, अब जींद की जनता ने के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जो जींद का विधायक है, बीजेपी ने जिसको टिकट दी है उसी को रिपीट किया है, वो विधायक बनने के बाद आज तक लोगों का धन्यवाद करने के लिए भी नहीं गया। सर, जींद की जनता को क्या कहना चाहोगे आप? मैं जींद की जनता को कहने के लिए मैं कोई ऐसी खास बात नहीं है, क्योंकि हम जींद में रहने वाले हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े लिखे हम, जैसे भी हैं जींद की जनता हमें जानती है, हम उनको जानते हैं, हमें जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़े। गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात की, जींद की जनता उनके साथ है और गुप्ता जी स्टार्टिंग से जींद में रहते हैं और इसलिए पूरी जींद के बारे में जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।